हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग डिलीशियस। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चिली की बहुत ही यमी रेसिपी, साथ ही साथ बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चिली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 अंडा को बॉईल करके छील करके ले लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो एक अंडा को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस तरह से। एक बार बीच से कट करना है, फिर इस तरह से हमें कट कर लेना है और येलो वाला पार्ट को हम हटा देंगे। सेम प्रोसेस से हम सारे अंडा को कट करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, अंडा को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो गैस पे एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म हो जाने देंगे, इस तरह से ऑयल को हम स्प्रेड कर लेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम कटे हुए अंडे को डाल देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा मिला करके इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ तो इसे मैंने थोड़ा सा तेल में बस सेलो फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, एक फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल और डाल देंगे, तेल को गर्म हो जाने देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इसे मिक्स करके थोड़ा सा पका लेते हैं, फ्लेम को हाई रखेंगे। सारी चीज़ें अब हमें हाई फ्लेम पे ही करनी है। तो यहाँ पर लहसुन हरी मिर्च थोड़ा सा पक चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। एक प्याज को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला पार्ट मैंने डाल दिया है। एक बड़े साइज के शिमला मिर्च को मैंने सीडलेस करके इस तरह से क्यूब्स में कट करके डाला है। इसे मिक्स करके हाई फ्लेम पर हम सॉटे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है वेजिटेबल्स को। अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आगे जब हम इसमें सॉस डालेंगे तो सारे सॉसेस में भी नमक होंगे। इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, 1/2 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो सॉस 1/2 टेबल स्पून, डार्क सोया सॉस 1 टेबल स्पून, वेनेगर 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली सॉस 1/2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 1/2 मिनट के लिए पका लेते हैं हाई फ्लेम पे। अब इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर का घोल 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर में पानी डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स करके डाला है। इसे मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो ये देखिए, सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्राइड एग जो अभी हमने फ्राई करके रखा था, इसे मिक्स कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा अब इसे हम कुक नहीं करेंगे, 1/2 मिनट के लिए बस मिक्स करके हम पका लेते हैं। अब इसके ऊपर हरा प्याज डाल देते हैं। हरा प्याज को इस तरह से मैंने बारीक कट करके डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।